गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है और इंटरेस्टिंग दिन की तैयारी कर लीजिए। वेडनेसडे का दिन एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले का सेशन और आमतौर पे एक अच्छा मूव भारतीय बाजारों में पेनल्टीमेट सेशन में देखने को मिलता है और दो दिनों की बैक टू बैक बढ़िया तेजी के बाद आज थोड़ा सा ग्लोबल संकेत, साथ साथ हमारा एसजीएक्स निफ्टी एशियाई पैक थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग के मूड में कमजोरी के साथ कामकाज होता हुआ। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि आज आधे परसेंट के दबाव के साथ हम कामकाज की शुरुआत करेंगे क्योंकि ओवरनाइट यूएस में भी मंडे के कंसोलिडेशन के बाद ट्यूसडे को कुछ वीकनेस क्रीप इन हुई और जितने एशियाई पैक में मार्केट्स ट्रेड कर रहे हैं, जितने इसलिए कहा क्योंकि हांगकांग हुआ, साउथ कोरिया हुआ, अलग अलग रीजंस के चलते मार्केट हॉलीडेज है। हांगकांग नेशनल डे सेलिब्रेट कर रहा है, साउथ कोरिया बुद्ध जयंती बना रहा है, तो जो खुले हैं वो भी वीक हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग और प्रॉफिट टेकिंग अक्रॉस एसेट क्लासेस गोल्ड को छोड़ के आपको इस समय नजर आएगी। ऐसे में नीरज जी, पिच कैसी है? और बुद्धा तो हमारे थे, छुट्टी नहीं मिली? हम लोग बहुत कम छुट्टियां कर दी हैं। और पिच जो है आपकी आशीष, वो देखिए कल जिस तरीके की एक बड़ी तेज़ी मार्केट में देखने को मिली और FIDIs की तरफ से जो डेटा आया, उससे ऐसा लगता है कि पिच में बहुत ज़्यादा वीकनेस या निराशा की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए क्योंकि 15,100 के ऊपर की जो क्लोजिंग है ना, वहाँ पर शॉर्ट करना बड़ा मुश्किल है। ऊपर के जो कॉल राइटर्स हैं ना, उनकी बहुत ऐसी तैसी हो रही है इस मार्केट में। लेकिन ये बात सही है कि अमेरिका से जो संकेत आ रहे हैं वो प्रॉफिट बुकिंग के हैं और तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। कल विक्स वहाँ का बहुत बढ़ गया है और बावजूद इसके ही क्रूड में नरमी के संकेत हैं क्योंकि वहाँ पर लोकली अब इन्फ्लेशन, मतलब इसको तो ना घूम घूम के आता है वो, मतलब थोड़े दिन बात होती फिर लोग उससे उभरते हैं, फिर एक नया कंसर्न आ जाता है, वो एक परमानेंट फीचर वहाँ का हो गया जब तक उसमें क्लैरिटी नहीं आती। तो उसकी वजह से अलग अलग रीजन से प्रॉफिट आती है, बुकिंग आ रही है और ख़ासतौर पर टेक्नोलॉजी शेयरों की तो लगातार पिटाई वहाँ पे हो रही है। अगर उसको इंडिया में रिप्लीकेट करें तो मुझे लगता है कि जो यहाँ का सेटअप है, जिस तरीके का माहौल दिख रहा है, उसमें थोड़ा कंसर्न हमारे यहाँ भी इन्फ्लेशन का होना चाहिए आगे जाते हुए। फूड इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो सकता है क्योंकि 15-20 दिन बाद से धान की रुपाई होनी है और गाँव में जिस तरह से कोरोना फैला हुआ है वो एक ट्रबल हो सकता है। लेकिन डेटा कुछ और कह रहा है, मार्केट में इतना पैसा है कि शॉर्ट करके आप फंस सकते हैं, तो इसलिए लोग नहीं कर पा रहे हैं बावजूद इसके कि फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग नहीं है। मुझे लगता है कि पिच को उसी हिसाब से प्ले करना चाहिए। मैंने अपनी टीम में शॉर्ट सेलर्स शॉर्ट के कॉल्स इसलिए नहीं रखे क्योंकि वो निचले लेवल से आपको जो बाइंग देखने को मिलेगी वो बहुत शानदार रिकवरी के संकेत दे रही है। इसलिए पिच मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक रखेंगे, सेक्टर स्पेसिफिक रखेंगे ज़्यादा बेटर है। और मेरी टीम में आज आपको मेटल की भरमा रहेगी, मेटल की आपको एक नई कहानी सुनाऊंगा मैं आज। नहीं, खरीदारी करने का मन मेरा भी है, ये बात सही है। पिच में थोड़ा सा स्पिनर्स को फेवर होने वाला है लेकिन हम इंडियंस स्पिनर्स को बढ़िया खेलते हैं, तो आज अगर गिरावट आनी है तो शायद गिरावट में खरीदारी करने के मौके। कल की बढ़िया ब्रॉड बेस्ड रैली को देखकर और कन्विक्शन बढ़ रहा है इस मार्केट्स के फर्दर अप मूव्स को लेकर। 10 के 10 बल्लेबाज ही रहेंगे टीम में। शुरुआत कर देता हूं गुजरात बेस्ड और सरकारी कंपनीज का तड़का वैसे ही इस समय स्क्रीन पर है। कल हमने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, कंटेनर कॉरपोरेशन, ONGC, सारी सरकारी कंपनीज पर अच्छी तेजी आती हुई देखी थी। मैं गुजरात सेंट्रिक सरकारी कंपनीज का भी तड़का रखना चाहता हूं आज टीम में। खैर, शुरुआत गुजरात अल्कलीज के साथ। अच्छे नंबर्स के दम पर स्टॉक को हाईलाइट कर रहा हूं। स्ट्रांग नंबर्स हैं और फर्दर लेग्स लगते हैं इस रैली के, इसीलिए स्टॉक को मेंशन। 11.5 करोड़ का मुनाफा बढ़कर 35 करोड़ रुपए पे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और मार्जिन्स में भी 130 बेसिस पॉइंट्स का उछाल है, प्लस अच्छी डिविडेंड डोल आउट हो रहे हैं। 8 रुपए पर शेयर का डिविडेंड भी दिया गया है। पर कल बाजार बंद होने के बाद ये नंबर्स आए और बाजार में कल जाते जाते मैंने देखा प्राइस वॉल्यूम एक्शन स्टॉक पे पिकअप होता हुआ नजर आया था, तो स्मार्टर हैंड्स ने रिजल्ट से पहले एक्यूमुलेट किया है स्टॉक को, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन नंबर्स स्ट्रांग हैं इसीलिए फिर भी मेंशन कर रहा हूं। अच्छा, स्मार्टर हैंड्स ने कल गुजरात एल्कलीज को एक्यूमुलेट करा तो ऐसे में एक और गुजरात सेंट्रिक कंपनी GIPCL, गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड, इस स्टॉक को अडाप रखिएगा।
इस कंपनी के कल नंबर्स आने, थर्सडे को नंबर्स स्केड्यूल्ड हैं और बढ़िया मोमेंटम शायद नंबर्स से पहले ये स्टॉक डिलीवर करता हुआ नजर आए, क्योंकि पीएसयूज और पीएसयूज में भी गुजरात सेंट्रिक कंपनीज मुझे लगता है अच्छा आउट परफॉर्म करेंगी। बुक वैल्यू इस स्टॉक की 190 रुपए की और ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 55% डिस्काउंट पे चल रहा है, 85 रुपए के आसपास, आधे से कम पर कामकाज होता हुआ। इंडस्ट्री पी 18 का, इस स्टॉक का स्टॉक पी है 6 times का, डिविडेंड यील्ड 3.5% की और पावर में इस समय बड़ी पावरफुल रैली वैसे ही बनी हुई है और ये बढ़िया डाइवर्सिफाइड प्ले है, गैस बेस्ड पावर प्लांट, लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस, लिग्नाइट माइंस इस कंपनी के पास। मुझे लगता है पावर की रैली को बुनाने का एक अच्छा तरीका हो सकता है, इस स्टॉक में अच्छे मूव्स देखने को मिलेंगे और कई लोग मानते हैं इंडिया के पावर सेक्टर पे सन इज शाइनिंग ब्राइट, तो मुझे लगता है इस तरह की कंपनीज और आज रिजल्ट से पहले बढ़िया एक्युमुलेशन के मौके होने चाहिए, ऐसे ही जेएसडब्ल्यू एनर्जी, क्योंकि मैं पावर सेक्टर की थीम को पकड़ के चल रहा हूं। वैसे इसमें खबर भी आती हुई कि इसकी जो होली ओन सब्सिडरी है जेएसडब्ल्यू हाइड्रो एनर्जी, इसने $707 मिलियन रेज कर डाले, बढ़िया फंड रेजिंग हुई है, हालांकि वो सीनियर सिक्योर्ड नोट्स के जरिए फंड रेजिंग होती हुई, लेकिन ये तमाम कंपनी स्वीट स्पॉट में मुझे लगता है खरीदारी करने के स्पेस में मौके होंगे, तो सरकारी में और साथ साथ पावर, ये कुछ पॉकेट्स हैं जो अच्छा आउट परफॉर्म करेंगे। इसके बाद कुछ और इंटरेस्टिंग पॉकेट्स हैं जो आगे हाईलाइट करूंगा, पहले नीरज जी के पास चलते हैं। बिल्कुल आशीष, आज जो मेरी थीम है उसमें मैंने कहा था कि मेटल में एक डिफरेंट स्टोरी है, अभी तक प्राइस राइज है। अब मैं आपको एक दूसरी चीज़ बताता हूँ जिसकी वजह से बहुत आगे और इसमें बड़ी रैली आने वाली, कॉपर का जो हिंदुस्तान कॉपर दिखाइए, हिंदुस्तान टिन दिखाइए, हिंदुस्तान जिंक दिखाइए, ये सारे स्टॉक्स आप दिखाइए, फिर मैं इसकी कहानी बताता हूँ। देखिए क्या है कि कॉपर का सबसे बड़ा वर्ल्ड का जो प्रोड्यूसर है वो है चिली, छोटी सी कंट्री है लेकिन कॉपर माइंस वहाँ बहुत ज़्यादा हैं। दिक्कत वहाँ पे क्या हुई कि बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ पे मैसिव टैक्सेशन फ्लोट किया जा रहा है सरकार की तरफ से वहाँ पे माइंस पे, और ये ट्रिगर कर रहा है वहाँ पे शॉर्ट सप्लाई को, जिसकी वजह से कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं और ये आगे और बढ़ेंगी, क्योंकि वहाँ पे जो नई सरकार बन रही है, जिस तरीके से वहाँ पे नया एक पूरा रिजीम आता हुआ दिख रहा है, उसका मानना है कि वो नेशनली सारी माइंस पे बहुत तगड़ा टैक्सेशन करेगा, जिसकी वजह से न सिर्फ लॉन्ग टर्म की सप्लाई रुकेगी, प्राइसेस और ज़्यादा यहाँ से बढ़ते हुए दिखेंगे। तो अब इसकी वजह से क्या दिक्कत हो रही है कि जो आजकल आपने देखा होगा कि जो लेफ्ट लीनियंस गवर्नमेंट है ना, चाहे वो अमेरिका की गवर्नमेंट हो, टैक्स बढ़ा बढ़ा के वो लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उसके बाद दूसरे सोशल कॉजेस में लगाते हैं, और चिली में एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। जो लेफ्ट लीनिंग की नई गवर्नमेंट वहाँ पर बन रही है वो मैसिव टैक्सेशन करने जा रही है माइंस पे, तो इसकी वजह से वहाँ पर गजब की तेज़ी आपको कॉपर बनती हुई, कल भी तेज़ी थी कॉपर में, कल इस मार्केट में जब अमेरिका में प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी कॉपर में तेज़ी थी, एक साल में 93% कॉपर चल चुका है और पिछले एक महीने में 13% की उछाल है। तो मुझे लगता है कि कॉपर से रिलेटेड तमाम स्टॉक्स ध्यान में रखना चाहिए। बड़े दिग्गज मैंने वेदांता को नहीं लिया, मैंने छोटे प्ले पे आए हिंदुस्तान कॉपर में फोकस करिए। पेरू में भी एग्जैक्टली ऐसी कहानी हो रही है, पेरू में भी उन्होंने कहा है कि हम टैक्सेशन बढ़ाएंगे, कॉपर की जितनी सेल्स है उसमें रिस्ट्रिक्ट करेंगे, और जो पावर सप्लाई कर रही कॉपर कॉपर माइंस को उनके ऊपर भी मैसिव टैक्सेशन है, इन्वायरमेंटल इश्यूज और टैक्सेशन, ये दो चीज़ें इसको ड्राइव कर रही हैं। हिंदुस्तान टिन में अगर आप देखिए तो टिन के दाम भी कल से लेकर के आज तक के बीच में 6% बढ़े हैं और पूरे एक साल में 96% बढ़े हैं। तो मेटल में जो बेसिक मेटल हैं, आप कॉपर में जाइए, एल्युमिनियम में जाइए, टिन में जाइए, जिंक में जाइए, वहाँ गजब की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब जिंक की कहानी थोड़ी सी और है, चाइना का जो एक प्रांत है यूनान, जहाँ सबसे ज़्यादा इसकी कंजम्पशन और काम होता है, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त शॉर्टेज हो गई है, क्योंकि चीन इस समय अगर आपको याद होगा तो उसने अपने पोल्यूशन को कम करने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोल्यूटिंग कंट्री है वो, तो उसने तमाम केमिकल फैक्ट्रीज, स्टील फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में बंदी लगा दी है, और इसी वजह से यूनान प्रांत में जो जिंक पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, जिंक के प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो बेसिक मेटल वाली कंपनीज हैं उन पर फोकस करना चाहिए, इसीलिए तीन स्टॉक्स यहाँ पर चुने खरीदारी के लिए। ओके, अगले दो स्टॉक्स ऑटो एंक स्पेस के, ऑटो एंक स्पेस पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ
कि मारुति में स्ट्रेंथ लौटती हुई नजर आ रही है, भसीन साहब ने पिक दी थी, आज भी सुबह मारुति पे कॉल्स आते हुए आपने नोटिस करा होगा, हर्षदा ने सुबह मेंशन करा टाटा मोटर्स के नंबर्स में किस तरह की स्ट्रेंथ इनहेरेंट नजर आ रही है, हीरो मोटो को आपने अपडेट कर दिया है कि भाई प्लांट्स वापस रिज्यूम करने की तैयारी कर रहे हैं, हफ्ता वसूली में एक्सपर्ट्स मान रहे थे कि अप्रैल के पेन के बाद इस महीने मई में जून के आंकड़ों से पहले शायद एक बढ़िया रिबाउंड आता हुआ नजर आया, और वो स्क्रीन पे वो सारे स्टॉक्स में मजबूती है। कल M&M वन ऑफ द टॉप कंट्रीब्यूटर्स बना था भारतीय बाजारों में, इस तरह से ऑटोज में मोमेंटम लौट रहा है। तो एक तो मिंडा कॉरपोरेशन, इसके तो खैर नंबर्स आए, नंबर्स बढ़िया है, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली ऑपरेटिंग रेवेन्यूज, 48% साल दर साल उछाल, एबिटा 128% का जंप, मार्जिन 4% का एक्सपेंशन है, ऑर्डर्स 1000 करोड़ से ज्यादा के Q4 में बैक करे, और अब कह रही है कि नए प्लांट जो गुजरात में लगाया था उस पर काम शुरू कर रहे हैं, उससे एडिट ट्रैक्शन आगे आना, बढ़िया स्वीट स्पॉट पे नंबर्स अच्छे हैं, मुझे लगता है रेडाप रखिए मिंडा कॉरपोरेशन को। और ऑटो एंसरी, क्योंकि ऑटोज में अच्छी तेजी आ रही है, उसको बुनाने का एक तरीका ऑटो एंक के थ्रू है, ओमैक्स ऑटो एक स्टॉक है जो स्क्रीन पे आना चाहिए, साल के हाई 60 के हैं, 40 ऑड लेवल्स के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ये ऑटो नॉन ऑटो सेगमेंट दोनों को केटर करती है, जिसमें खास तौर पे कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के लिए काम और रेलवे के लिए काम इस कंपनी का लार्जली। इंटरेस्टिंग है ऑटो एंसरी स्पेस, इसीलिए मैं मान रहा हूं एक तो अच्छे नंबर्स, उसका रब ऑफ, और रब ऑफ असल में ऑटो के अंडरलाइंग स्ट्रेंथ का ओमैक्स ऑटो, इसलिए इन दोनों स्टॉक्स में खरीदारी करने का मन। इसके बाद नीरज जी टीम पूरी कर लें, डिपेंडेबल बताऊंगा। जी अगला स्टॉक है मेरा जिंदल स्टेनलेस हिसार, ये भी एक मेटल की कहानी है, निकल के प्राइसेस में भी वही कहानी यहाँ पे दोहराई, क्योंकि स्टील के प्राइसेस बढ़ते हैं तो निकल के भी बढ़ते हैं, हालांकि कल इसके रिजल्ट्स भी आए वो भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, रेवेन्यूज में 36-37% की ग्रोथ है और प्रॉफिट जो है 225% बढ़ के 350 करोड़ आया। निकल की जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं स्टेनलेस स्टील की वो जिंदल हिसार और जिंदल स्टेनलेस है। एस्ट्रल पॉली ने भी अपने नतीजे कल पेश किए हैं और इनका भी जो कुल आमदनी है उसमें 80% की ग्रोथ देखने के लिए, प्रॉफिट 250% बढ़ के 174 करोड़ हो गया है, तो लगता है इसमें भी खरीदारी करनी चाहिए। बताइए आशीष, डिपेंडेबल। एस्ट्रल पॉली की आपने बात करी है, बढ़िया नंबर्स हैं एस्ट्रल के, और इस कंपनी के CFO आज न्यूयॉर्क कंपनी में मिलेंगे आपको, तो और डिटेल में वहां पे बातचीत होगी। डिपेंडेबल के तौर पे आज एक रियल एस्टेट कंपनी ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, रियल एस्टेट का तड़का आगे भी लेकर आऊंगा, तो कुछ कुछ पॉकेट्स पे दाव लगाएं, आज वो टीम में आपको अपेरेंटली नजर भी आएंगे। रियल एस्टेट में ब्रिगेड इंटरप्राइजेस इसीलिए क्योंकि ऑल टाइम हाई प्री सेल्स है रेजिडेंशियल कारोबार में, एवरेज सेलिंग प्राइस इस कंपनी का बढ़कर यूनिट्स का 6,128 रुपए पर स्क्वायर फीट इसने Q4 में क्लॉक करा, रियलाइजेशन 2% Q-on-Q और 8% साल दर साल इंप्रूव हो रहा है, तो Q-on-Q ईयर ऑन ईयर बढ़िया नंबर्स आए, 27% बढ़ी, EBITDA में 52% का उछाल, 11 करोड़ के घाटे के सामने 20 करोड़ का मुनाफा, ब्रिगेड इंटरप्राइजेस वैसे भी बढ़िया कंपनी, रेड आप रखिएगा इसको। ये हो गया आज का डिपेंडेबल। मेरा डिपेंडेबल कल का ही रिपीट है आशीष, शेवियट, हालांकि इस शेवियट के साथ एक कैवियट है कि दो सर्किट इसमें 20% के लग चुके हैं, आज इसमें 10 का है, लिया इसलिए है क्योंकि खबरें ये भी निकल के आई कल ही आई कि 6 महीने के लिए और जो जूट इस्तेमाल है मैंडेटरी बैग का वो कर दिया गया है, मुझे लगता है कि चूँकि दो सर्किट लग चुके हैं और बहुत कम वॉल्यूम पर लग रहा है इसलिए तीसरा सर्किट भी लगेगा इसमें, लेकिन ध्यान रखिएगा क्योंकि दो सर्किट के बाद थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना चाहिए, तो इसीलिए शेवियट में 1200 का टारगेट के साथ आज खरीदारी करनी चाहिए। इसी के साथ छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से लौट के आएंगे तो आएंगे फ्री हिट और पिच। स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में, और आज की कहानी पूरी मेटल की है जो मेरे पूरी टीम में आपको नजर आ रही होगी कि पेरू और चिली में जो सत्ता परिवर्तन हुआ वह टैक्सेशन बढ़ा रहे हैं वहां पे, इसलिए प्राइसेस बढ़ रहे हैं। चीन के यूनान प्रांत में जिंक में रिसेशन वजह से बहुत तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन अब बारी फ्रीट और पिंचिटर की, और इसमें भी मेटल कंपनीज है स्टील वाली, उषा मार्टिन फ्रीट के तौर पर लिया कल। अब टाटा मोटर्स की कमेंट्री सुनिए, उन्होंने कहा रॉ मटेरियल की कॉस्ट इतनी बढ़ गई कि प्राइस हाइक लेनी पड़ेगी, बावजूद इसके कि बहुत अच्छी सेल्स नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन प्राइस हाइक लेना पड़ेगा क्योंकि स्टील की कीमतें बेतहाशा बढ़ी हैं। और कल ही ये खबर भी आपने देखी होगी, पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो सुन लीजिए कि जापान ने जून की डिलीवरी की स्टील कीमतें 18% बढ़ा दी हैं। चीन में इस समय डोमेस्टिक प्राइस 75,000 रुपये पर टन चल रहा है और इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है वो 67,000 रुपये टन पर चल रहा है, यानी अभी भी 8,000 रुपये
पर टन का गैप बना हुआ है जो फिल होता हुआ आपको दिखेगा, यानी बहुत गुंजाइश अभी स्टील की प्राइसेस ऊपर जाने के। जेएसपीएल के जो मैनेजमेंट है उनका कहना है कम से कम 2 साल तक प्राइस हाइक रहेगी। तो पूरा मेटल स्पेस में आज एक नए परस्पेक्टिव में आपको बता रहा हूँ कि ये जो चेंजेस किए जा रहे हैं टैक्सेशन में और प्रोडक्शन रोकने में, वो बहुत लंबे समय तक चलेंगे। इसलिए उषा मार्टिन में खरीदारी करके चलें और सनफ्लैग आयरन में, क्योंकि ये दोनों ही जो है वैल्यू एडेड स्टील बनाती हैं, और उषा मार्टिन के तो शायद कल रिजल्ट भी आने तो उस पर भी नज़र रहेगी। मजिस्को है अगली कंपनी जिस पे दाव लगाने की सलाह। अच्छा, ईयर हाईज 122 के, ये स्टॉक चल रहा है 75 ऑड लेवल्स पर। इस कंपनी ने कल बाजार बंद होने के बाद घोषणा करी कि इंफोसिस के साथ कोलैबोरेट करने जा रहे हैं इंश्योरर्स के लिए डिजिटल एक्सपीरियंस एक्सेलरेट करने के लिए। तो दरअसल दोनों कंपनी साथ में काम करेंगी, जॉइंटली कस्टमर्स को अप्रोच करेंगी, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में मदद करती हुई नजर आएंगी। मजिस्को के लिए अच्छी खबर, अडाप रखिएगा, अच्छे करेक्शन के बाद अच्छा मूव देने की तैयारी कर सकता है। और रियल एस्टेट में मैंने एक तो रिजल्ट्स पे ले लिया ब्रिगेड, दूसरा खबर पे ले रहा हूं वैस्कॉन इंजीनियर्स जो पुणे बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने इसकी रेटिंग रीअफर्म करी है, पर जो आउटलुक नेगेटिव था अब उसको इंप्रूव करके स्टेबल कर दिया, तो रेटिंग की तरफ से अफॉर्मेशन आता हुआ रियल एस्टेट हाई बीटा जोन अच्छा ट्रैक्शन शायद दिखाए। क्विकली छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार बचे हुए दो स्टॉक्स, हम दोनों की टीम। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब बारी आखिरी के दो स्टॉक्स की। इसमें जो नाइन्थ स्टॉक है वो एक छोटी सी कंपनी है बीसीपीएल रेलवे। इसमें दो बड़े डेवलपमेंट है, इनकी जो बोर्ड बैठक हुई कल उसमें ये तय किया गया कि ये एथेनॉल ब्लेंडिंग का काम शुरू करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से प्राज इंडस्ट्रीज में ज़बरदस्त हुई और उसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ मिल के एथेनॉल ब्लेंडिंग का काम ये कंपनी करेगी। साथ ही इनके रिजल्ट्स भी आए, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। इनकम में करीब 33% की ग्रोथ देखने को मिली है, और प्रॉफिट इनका जो है 4 गुना होकर के यहाँ पे आया है, 3 करोड़ 20 लाख के आसपास। तो नतीजे अच्छे के साथ साथ जो ये एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला इसमें ट्विस्ट दिया गया है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो इसमें ध्यान रखा जाता खरीदारी की जा सकती है। और अंत में सेंचुरी अंका, नतीजे आए हैं 24% की ग्रोथ रेवेन्यूज़ में है और 121% प्रॉफिट बढ़ के 48 करोड़ से पार निकल गया है, तो नतीजे यहाँ भी काफ़ी बेहतर है, खरीदारी की जा सकती है। अच्छा, जाते जाते आज कमज़ोर तो है ओपनिंग, उसके बावजूद सारे बाय थे, तो जाते जाते थोड़े से दो फार्मास्यूटिकल मेजर्स को, बड़े टिकट साइज वाले काउंटर्स लेकिन मन खरीदारी करने का है। सनोफी इंडिया 9000 के साल के हाई से करेक्ट हुआ हुआ है, हैवी टिकट साइज काउंटर है, पर सनोफी और जीएसके ने अपनी जो कोविड की वैक्सीन है उसके पॉजिटिव रिजल्ट अपडेट कर दिए हैं फेज 2 ट्रायल के। लार्जेस्ट इंटरनेशनल फेज ट्रायल हुए थे, अब थर्ड फेज की तैयारी कर रहे हैं। ये दोनों वर्ल्ड के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं वैक्सीन के, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स। हाँ, पिछड़ गए क्योंकि फेज 1 फेज 2 ट्रायल्स में कुछ दिक्कतें आई थी शुरुआत में इनको, लेकिन सनोफी के कमेंट स्पेसिफिकली हैं कि अभी भी बहुत भुनाने के मौके हैं, ऐसा नहीं कि मिस आउट कर गए। और कल अमिताभ कांत साहब ने ट्वीट करके मेंशन भी करा कि सनोफी के जो फेज 2 ट्रायल सक्सेस हुए हैं, सनोफी अपने हैदराबाद प्लांट, सनोफी इंडिया के हैदराबाद प्लांट से वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत कर रही है, तो इसको रडार पर रखेंगे, एट रिस्क हो रही है वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत, ये ध्यान रखिएगा। फाइजर को रडार पे रखना है, इसकी दवा नीरज जी तारीफ करते रहते थे वो वैक्सीन की, अब जहां जहां अर्जेंसी है, जैसे सिंगापुर में इशू हुए तो सिंगापुर में भी अब तक 16 प्लस के लिए वैक्सीन अप्रूव थी, 12 से 15 साल के बच्चों के लिए भी इसकी वैक्सीन अप्रूव कर दी गई है। फाइजर दरअसल इस वैक्सीन रेस में ग्लोबली लीड कर रहा है, मुझे लग रहा है वो एक स्टॉक रडार पे। तो ये दो है बड़े टिकट साइज वाले काउंटर एक्यूमुलेट करने के वाले मौके। नीरज जी, मेरी पूरी टीम आपकी स्क्रीन पर, 10 के 10 बल्लेबाजी हैं आज सीधा सौदा। अच्छा, फायदा तो चूंकि आपने खुद ही कह दिया डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया कंपनी, तो वो नहीं है, लेकिन आज कैप्टन चॉइस के लिए गुजरात अलकलीज, कल भी मैंने इसको टीम मिला था नतीजों से पहले, लेकिन नतीजे से मार्केट बाद आए, काफ़ी अच्छे नतीजे हैं और हमें लगता है कि इसमें एक बढ़िया रैली बनी, कल चल नहीं पाया उतना, आज इसमें नतीजों का इम्पैक्ट डेफिनेटली मिलेगा और अब बढ़िया रिटर्न देंगे। अब जो टारगेट दे रहे हैं ना, तो बहुत ही कहते हैं 17 रुपये ऊपर के ना, ये खुलते ही हो जाने चाहिए, लेकिन मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है आपको। आप ही वो कारण थे, मतलब कल वो प्राइस वॉल्यूम एक्शन पिकअप हो रहा था स्टॉक में जाते जाते। आपकी टीम में बहुत सारे स्टॉक आपकी थीम्स तो वैसे भी पकड़ आज के बड़ी मजबूत है, लेकिन वो एस्ट्रल पॉली जो पहले कहते थे आजकल वो एस्ट्रल नाम हो गया, ध्यान रखें उसका, बढ़िया नंबर्स हैं,
अब मुझे नहीं पता आज कितना चलेगा, लेकिन इवेंचुअली ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई जो ऑलमोस्ट 2000 के उसकी तरफ बढ़ता हुआ शायद आपको नजर आए, इसीलिए मुझे लगता है ये स्टॉक एक्यूमुलेट करना है, गजब का बिजनेस पैन आउट हो रहा है ये, इस पे दाव लगाऊंगा। लेकिन चलिए क्विकली आज के टॉप 10 सीधा सौदा के जो तीन प्लेयर्स हैं वो स्क्रीन पर दिखाइएगा मेरे। गुजरात अल्कलीज के साथ शुरुआत करी थी, अच्छे नंबर्स, बढ़िया 8 रुपए का डिविडेंड, सिग्निफिकेंट मूव्स की शायद तैयारी कर सकता है ये स्टॉक, इसीलिए रडार पर। हाँ, एक ही कंसर्न जो डेट थोड़ा सा बुक्स पे बढ़ता हुआ नजर आया। गुजरात अल्कलीज में कल नंबर्स से पहले अच्छा मोमेंटम आया था, तो आज GIPCL को रडार पर रखिएगा, गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड। नंबर्स से पहले शायद इसमें मोमेंटम पिकअप होना चाहिए क्योंकि हर पैमाने पे बड़ा स्ट्रांग, बुक वैल्यू से कहीं नीचे, प्राइस पी अगर आप देखते हो तो बहुत सस्ता, और पावर इस समय फोकस में है। पावर फोकस में तो JSW एनर्जी भी आपकी स्क्रीन पर, खबरों के बीच में स्टॉक को लिया है मिंडा कॉर्पोरेशन, इस ऑटो एंसरी कंपनी के गजब के नंबर्स आए, और क्योंकि ऑटोज में टेलविंड नजर आ रही है स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस शुरू हो गया, इसलिए ओमैक्स ऑटो को भी मेंशन करा। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस के बढ़िया नंबर्स आए, बाकी अच्छे हैं साल दर साल क्यू ऑन क्यू हर कंपैरिजन पे, इसीलिए मेजिस्को ने इंफोसिस के साथ टाई अप कर डाला, बढ़िया करेक्ट होकर स्टॉक मिल रहा था इसीलिए आज फ्री हिट का दर्जा दे दिया। वैस्कॉन क्योंकि एक रियल एस्टेट कंपनी ऑलरेडी थी और इसके लिए वो रेटिंग एजेंसी से आउटलुक अपग्रेड हुआ इसीलिए मेंशन करा। सनोफी इंडिया और फाइजर दो दिग्गज फार्मास्यूटिकल मेजर्स, दोनों के लिए खबरें थी इसलिए लगता है दोनों में खरीदारी करने की शायद मौके हो, फाइजर को लेकर कन्विक्शन ज्यादा लेकिन सनोफी को लेकर न्यूज की टेलवर्ड्स। चलिए क्विकली मेरी टीम पर नजर डाली और यहाँ पे खरीदारी पे ही पूरा फोकस है और आज की थीम मैंने पकड़ी है मेटल। एक नए पर्सपेक्टिव में हमने आपको बताया कि जो नए मेजर्स चिली और पेरू में लिए जा रहे हैं जो सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं कॉपर के, वो लॉन्ग सस्टेनिंग है और ये रैली रुकने वाली नहीं लग रही, इसीलिए हिंदुस्तान कॉपर टिन और जिंक शुरुआत में रखा क्योंकि तीनों के लिए अलग अलग खबरें हैं और तीनों ही प्राइस राइज वाली खबरें हैं। इसके अलावा मेटल्स में टिन में और बेसिक स्टील में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिलेगी क्योंकि जो डिलीवरीज उतर रही आगे उसमें दाम बढ़े, इसलिए यहाँ पे खरीदारी के लिए आपसे बताया कि उषा मार्टिन और सन फ्लैग आयरन लेना चाहिए। लेकिन कुछ नतीजे ही बहुत अच्छे हैं, जिंदल स्टेनलेस के साथ साथ नतीजे बढ़िया हैं, एस्ट्रल पॉली के एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट आए हैं और आगे पाइप बनाने वाली कंपनी है, धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है इसमें, तो हमें लगता है ध्यान रखना चाहिए। PCPL रेलवे अब ये एथेनॉल ब्लेंडिंग के बिजनेस में उतरने जा रहे हैं OMCs के साथ मिलकर के, तो वो खबर है। और सेंचुरी अंका के नतीजे अच्छे थे, यहाँ पर खरीदारी किया जा सकता है।